अच्छा बनवाता था सर, टीचर लड़का से क्या पढ़ेगा, सरकारी में क्या है, सरकारी का बंद रहेगा। सरकारी स्कूल का स्थिति पूरा डाउन है, समझ गए, क्योंकि आते हैं टीचर 11:30 10:30 में आएंगे, प्रार्थना करते करते 11:30 हो जाएगा और 1 घंटे पढ़ाएंगे 1 बजेगा और फिर लंच होगा। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। खबर मोतिहारी जिला से आ रही है, जहां आज शिक्षा बचाओ पद यात्रा का 3रा दिन है और ऐसे में एस्टेट 2019 मेरिट शिक्षक अभ्यर्थी के द्वारा शिक्षा बचाओ पद यात्रा के 3रे दिन का शंखनाद किया गया। इसी बीच मधुबनी घाट मोतिहारी के सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे बच्चे और उनके अभिभावक से बातचीत किए तो पता चला कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई लिखाई होता ही नहीं है, सिर्फ बच्चे से ढील जू निकलवाते हैं और काम करवाते हैं, जो कि शोषण है। ये सारी बातें बच्चों ने खुद अपने जुबान से भी बताया। आपको बता दें कि जैसे जैसे शिक्षा बचाओ पद यात्रा बढ़ रहा है, आम लोगों का भरपूर समर्थन मिलता जा रहा है। अब बिहार के गरीब दलित, हम लोग मधुबनी घाट मोतिहारी जिला में रुके हुए थे रात में, यहाँ के ग्रामीण और बच्चों जो सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं उनसे बात किए कि कैसे स्थिति है सरकारी स्कूल में, तो बाबू सरकारी स्कूल का क्या स्थिति है। सरकारी स्कूल का स्थिति पूरा डाउन है, समझ गए, क्योंकि आते हैं टीचर 11:30 10:30 में आएंगे, प्रार्थना करते करते 11:30 हो जाएगा और 1 घंटे पढ़ाएंगे 1 बजेगा और फिर लंच होगा, उसके बाद 2 बजे से फिर 1 घंटे पढ़ाएंगे। कोई काम नहीं करवाता है, बच्चे लोग ढील हरवाते हैं, माथा बनवाते हैं, टीचर लड़का से क्या पढ़ेगा, सरकारी में क्या है, सरकारी का बंद रहेगा। मतलब कुल मिला के बच्चे का शोषण किया जाता है सरकारी विद्यालय में, जो भी शिक्षक है ढील हराया जाता है, सो जू माथा का जू हराया जाता है, इस बच्चे से माथा का जू हराएगा क्या पढ़ेंगे। चाचा जी, यह सिस्टम को बंद कीजिए और योग्य मैरिट शिक्षक अभ्यर्थी को बहाल कीजिएगा, तो आदमी पढ़ाएंगे शिक्षक, न कि ढील हरवाएंगे, न कि माथा हरवाएंगे, न काम करवाएंगे। इसी संदेश के साथ हम लोग शिक्षा बचाओ पद यात्रा ST-19 मेरिट योग्यताधारी शिक्षकों के द्वारा निकाला गया है और जल्द से जल्द मेरिट शिक्षक की बहाली कीजिए ताकि वो पढ़ाए न कि ढील हरवाए। समय से खाना, समय से पोशाक, आप सुनिए सरकार से विनती है, बच्चों का समस्या को सुनिए। बच्चे खुल के कह रहे हैं कि आप स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ करवाते हैं, बस पढ़ाई शिक्षा नहीं देते हैं, इसके अलावा सब काम करवाते हैं। बच्चे से कितना शर्म की बात है, आपको शर्म नहीं आ रहा है, आपने कैसे अशिक्षित शिक्षक बहाल कर दिया। अरे मेरिट वाले शिक्षक जाएंगे तभी तो बिहार का कल्याण होगा, ये बच्चों का कल्याण होगा, आप बर्बाद कर दे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को। आइए बच्चों को पूछिए, इसका रोष को देखिए, ये कितने गुस्से में बोल रहा है, तो आपको इसको बदलना पड़ेगा। इसी बदलाव के लिए हम लोग पदयात्रा कर रहे हैं साथियों, इस पर ध्यान दिया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम सही में बिहार में है, अभी पकड़ी दयाल मोतिहारी जिला का पकड़ी दयाल में है, यही सही बिहार है। हम ये बच्चों के साथ है और ये बताने आए हैं कि क्या बताइए, बिहार में सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई का कोई वातावरण है, सबने कहा कोई वातावरण नहीं है, शिक्षा का मॉडल ध्वस्त हो चुका है, सुधारिए, जब तक कि नौनिहालों को नहीं पढ़ाइएगा ये बिहार नहीं बढ़ेगा। कुछ नहीं जानता, न मैथ जानता, न साइंस जानता, न इंग्लिश जानता, कैसे बनेगा डॉक्टर, कैसे बनेगा इंजीनियर और कैसे अपने जीवन की ऊंचाइयों को छू पाएगा, ये बच्चा का भविष्य खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इनके माता पिता आपके पैसे नहीं है, ये प्राइवेट विद्यालय में पढ़ेंगे, ये सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, सुधार करिए सरकारी विद्यालय का और इनका भविष्य बनाइए। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये हम आपसे निवेदन करते हैं, हमारा एक ही निवेदन है माननीय मुख्यमंत्री जी, कि बच्चे का भविष्य बने सरकारी विद्यालयों में बेहतर शिक्षक का नियुक्ति कीजिए, तब जाके इनका भविष्य बनेगा। डिग्री दिखाओ, नौकरी पाओ, बंद कीजिए, तब जाके बच्चे का भविष्य बनेगा। एक भी हाई स्कूल में शिक्षक नहीं है 6021 विद्यालय में, तो कैसे पढ़ाई लिखाई हो रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी, सवाल आपसे है ना, सवाल शिक्षा मंत्री है, शिक्षा मंत्री है,
नीतीश कुमार चुप्पी तोड़ो।